बहुत तरीका है, ये गलत बात है। लोग इस पानी में इतना पवित्र मांगते हैं। हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है सबके, स्वागत आज की नई वीडियो में। तो भाई आज हम चल रहे हैं हरिद्वार, गुरमीत भाई है, हाँ जी भाई, और गुरनाम भाई है और मोनू भाई है। तो आज हम जावा हरिद्वार, सुकन भाई रास्ता मिलेगा, उसने रास्ता मतलब बिठावांगे भाई ने। तो भाई सुकन भी आ गया, सुना भाई सुकन बढ़िया भाई, फिलहाल मामा बंबोली और बंबोली भाई फिलहाल हम पहुंच गए हरिद्वार और कर जाओगे फिलहाल हर की पौड़ी देख के आऊंगा। मैं पहली बार बज रहे हैं, हम 6 बजे चल रहे थे, 9:41 हो गए, 6:03 बजे चल रहे थे, कुछ 3 बजे चल रहे थे, 6 बजे करते चल रहे बंबोली तो 6 बजे चल रहा है। हाँ तो दो शख्स आने रह रही है, गाड़ी लॉक करने जा रहे हैं, तीन बार तो उसकी लॉक कर ली, तीन बार खोल ली, लोकल न्यूज रिकॉर्ड रह जाओ ना, खुली रहो एक भीड़ी रहो नूपा मेरा। तो गाइस यहां पे भाई हरिद्वार में रात के 9:40 हो गया दिखा दो, और ये आ गए हमारे दूसरे चिपेंजी, और एक पूरा चंडाल फिल्म का मिथुन हो रहा है। तो भाई हर की पौड़ी पर पहुंच गए, अच्छा मतलब ये गेट है, ये कौन सा गेट है, ये गंगा की, गंगा जी। तो भाई गंगा जी के घाट पे पहुंच गए, हाँ ये गंगा जी है, लाइटिंग मतलब इतना पानी कर दी नहीं, नॉर्मली है, कोई बाढ़ सुहा हुआ भाई, हूँ ठंड कड़ा इतनी तो तुम पागल हो जाओ। ये भाई गंगा किनारे पहुंचे हैं, देखो मैन गंगा हर की पौड़ी आगे है, अच्छा मैन हर की पौड़ी, ऐसे एक पुल हो तो दिख रहा ना, पुल उससे आगे मेन टावर है, बाकी सवेरे दिखाऊंगे अच्छे तरीके से, तो थोड़ी लाइटिंग है तो कल ही दिखाऊंगा यार, क्यों इस मंदिर की आरती देख रही है सवेरे, मैंने देख ली सुबह भाई, मैंने भी देख ली भाई, इस भाई की तो भक्ति जाग भी गई है। तो देख लो यहाँ पे मंदिर ही मंदिर है, मतलब पूरा कोई मैन मंदिर को नहीं है, नहीं गंगा ये प्राचीन मंदिर वगैरह आपसे सामने दो प्राचीन मंदिर है, अच्छा ये लेकिन जो काड़ उठती है तो यही हर की पौड़ी, हाँ यही हर की पौड़ी याद उठती है, मतलब जो पूजा पाजा हो नहीं, मतलब गंगा की हुआ मैन, अच्छा गंगा यहाँ पे देख पा रहे हो ना, ये दिखा देगा ठीक ठीक, ये गंगा मैया है, इसकी पूजा हो गई, और ये मंदिर वगैरह है, इनमें मतलब कोई जा तो नहीं पाता होगा ना, अंदर एंट्री नहीं है, अच्छा अच्छा ठीक है, तो मतलब ये उरे तक कराओ जो पूजा करनी है, लोग पूजा करनी है, ठीक है जाओ नहीं बैठेंगे यार, चलो बाकी भाई बाकी जो नज़ारा है वो सुबह दिखाओगे था हमने। तो गुड मॉर्निंग, क्या हाल सो के, तो भाई फिलहाल हम हरिद्वार में और इतना दो रेडी, तो पीछे ये क्या पिटाई चल रही है, पिटाई चल रही है भैया, दो भाई का प्यार है, कुछ प्यार इतना है भाई का, तो भाई जम दिखा ये देखो भाई उस साइड पहाड़ पूड़ है, कितना मस्त नजारा है, हाँ है यार पीछे दे मेरे, अच्छा है यार और नजारा देख लो हाईवे रुड़की हाईवे ऋषिकेश वाला हाईवे है, और उड़े रुके हुए चलते हैं हर की पौड़ी। अरे गल्ला गल्ला आ रहे हो तू,
ले भाई ये चल दिया उमर की पौड़ी के लिए, और अब यहाँ से ये है हरी ऋषिकेश वाला हाईवे, ये राज भाई है, ये सुकन भाई है, आजा। मन मारा बोरिया बिस्तर ये क्या है भैया? अच्छा जी आओ प्रभु, धूप कच लिगड़ रही रहनी हाँ एंड लिगड़ रही धूप नी हरिद्वार के पहाड़ है उत्तराखंड के है। अब उत्तराखंड में और है अच्छा भाई और कितना अच्छा नजारा उड़ देखा हाँ गजब है भाई। वो हर की पौड़ी हुए अरे हर की पौड़ी आड़े खड़ा है अच्छा ये धर्मशाला है अच्छा वो तो ऊपर देखो ऊपर उड़ा ऊपर ना अपनी गाड़ी जा सके ले ले दिखा हम कर साइड एंट्री है आड़ा मेरा सांपड़ पे जगह ये देखो पहाड़ी एरिया के वर्क्स हमने भोलेनाथ के दर्शन कराए दिया जे तो भाई मामी पहुंचे एक बड़ी प्यारी सी लोकेशन पे तो कैसी है लोकेशन इन्हें दिखाने तो पहला तेरे ते पूछूं एक नंबर भाई अच्छा पहली बार तो भाई मैं तो पहली बार देख रहा हूं नजारा इतना हमने दिखा दिया लोकेशन कौन सी है यो भाई या वा लोकेशन है या हर बंदा चाहोगा कि पूरा रील वगैरह बनाओ देखो और मामे जिस जगह खड़े हाँ इस ते फुल व्यू दिखन लग रहा है मामे पूरा खड़े आना उठा फुल नज़ारा दिखन लग रहे हो ओम का यू देख लो कितना प्यारा पुल बना रखा और यो हमारे भाई साहब चले गए जय नो एंट्री में एंट्री कर दी भाई ने ओके तो भाई तमने यह लोकेशन कैसी लगा है कमेंट करके जरूर बताइयो अगर अगर हरिद्वार आओ तो इस लोकेशन पर जरूर आइयो हमारे भाई साहब चल दिए जल लेने हाँ जी बताइए इसके बारे में कुछ ये यहाँ पे ओम है ओम हमको भी दिख रहा है ओ ये तो नई बात पता चली ये तो ओम है तो ओम है हाँ तो तमने फुल नजारा दिखा दे इसका कहाँ अच्छा वो उस साइड तो यहाँ की लोकेशन है प्यारी प्यारी लोकेशन कर लो सर हम एक चीज देख कितना है दौरे तो छाम है अरोड़ा गंगा घाट पे हर की पौड़ी पे धूप है तो, हाँ धूप है इस साइड बादल आ रहे हैं तो अब हम जावा हाँ वे कहाँ चले अब प्रजापति दक्ष का है कुछ उड़ा जावा देखन छोड़ का जान लग गए थे बटे उरा उसके बाद सती अवतार था और देखो मतलब गजब की पेंटिंग करके दीवारा पे भी जो दक्ष मंदिर है अंदर तो दिखावा था मैं थोड़ी देर में तो यह एंट्री होगी दक्ष मंदिर में और वो जो पेंटिंग बन रही है उसकी स्टोरी तार तक बताई दी वो ये स्टैचू बना रखा और ये दुकानें लगी है सबसे आकर्षक चीज वो पेंटिंग है देखो हाँ कितनी जबरदस्त बना रखी है
दीवार पे, वो भी दीवार पे। तूरा है गंगा, गंगा घाट है उरे, और पूरा क्या चीज़ है उरे? वो जो पैसे वगैरह गंगा में तो निकल लग रहा है नहीं? तो काट गए तब तो यह बात लोकेशन है, पैसे वगैरह निकल लग रहा है, मतलब कुछ चीज़ पानी देखो कितना साफ है। हाँ और बारिश का पानी आ रहा है। देखो चूहा चूहा, ओ चल इसने बचावा, ये चूहा, इस चूहे को हम बचा रहे हैं। ए ए ए लाडले का चढ़ चढ़ जा गाइस, ये तो बच गया भाई। और देख ठंड में चल बस ही बिना छेड़ा। ये देखो भाई, इतनी ठंडी में तो, इतनी तेज बहाव में तो बच गया। ये सही बात है, जिसको बचाने वाला बचाता है ना, उसको मारने वाला कोई नहीं है। जिसकी जिंदगी बचने लिख रखे नहीं, तो इस चूहे का एग्जांपल, लाइव एग्जांपल हमने देखा है अभी, गजब का एग्जांपल था। और इतनी ठंड में लोग नहाने भी लग रहे हैं, और लोकेशन देख लो कितनी प्यारी है। इस जगह कौन कौन आया है कमेंट करके जरूर बताओ। अरे ना भाई, हमारे बस की बात नहीं है, इसके इस साइड ना आ सकूं, वो भी गर्मी में। बहुत बढ़िया नजारा भाई, गजब। हमारी आंखें तो हरी होगी देख के। हरी भरी हैं। तू तो काफी बार आया होगा इस जगह। तू भी, तू मतलब मोस्टली लोग उरांदे को नहीं भाई, मतलब दक्ष या दक्ष मंदिर है इसका पीछे, या गंगा बांध लग रही है। ओए हमने गजब नजारा देखा, बहती गंगा में मूसा तिरकान लग रहा था चूहा, और बच गया यार, लिकट गया। लोकेशन देखो तुम कितनी प्यारी लग रहा, देख इस साइड तो ऐसे ऐसे गजब है भाई, मजा आ गया देख के। पानी का बहाव देख, और एक कल कल करती नदियां, गंगा नदी आवाज देख, आवाज देख। हाँ, और देख तो भाई हम जान लग रहे हैं हर की पौड़ी की तरफ, उस साइड हर की पौड़ी, और सामने पहाड़ पूड़ है। वो मेरा ये गाड़ी खा लो, मुड़ी मुड़ी कहीं है भाई। फिक्का है तो भाई, रात तो साफ कौन दिख रहा है, दिखाऊंगा तुमने नजारा। क्या खरीद रहे हो भाई, क्या खरीद रहे हो? उती कंगन मंगाए हैं। अच्छा बोलना है। हाँ। अच्छा ठीक है भाई, बोली तो मंगाए फिर यार। मोनू ने भी दुआ दो कि मैं रात जो नजारा नहीं दिखा पाए थे, अब दिखाऊंगे। देखो रात ने बिल्कुल नहीं पता चला था कि सामने पहाड़ है। अब देखो ठीक है, शुद्ध। हाँ यह हर की पौड़ी है, इसकी पिछली साइड बढ़िया नज़ारा, वो भी दिखावांगे। रात देख के आए थे तो पार करके जाऊंगा पुल, वो देख। ज्यादातर उ ये चीजें बिका है, देख लो पूरा पेंट कर रखा है। छोटू ये भाई गंगा से वो निकाल रहा है जो सामान वगैरह निकाल लग रहा है, ऐसा कॉन्सेप्ट रहेगा। ये देखो ये बच्चा देख ले, पहाड़ मस्त है यार। कहना
प्यारे प्यारे दृश्य है। इस पानी का बहाव बहुत तेज है, वैसे लागे स्लो लागे है लेकिन बहुत तेज है। तानो वाइट एंगल तो दिखा दू, ये देखो वाइट एंगल तो मस्त दिखा यार। पूरे तो टांग टूट जा बुड्ढी की कुर्दर तो यो भाई काम बना रहे हो डाडा लागे डाडा। और इनकी हिम्मत देख ले भाई, ये इतनी ठंड में भी बेचारे रोजगार खातिर देख ले पानी में बढ़ रहे। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं देखो, कोई नारियल ढूंढ रहा है कोई कुछ। ये देखो भाई, और ये बंदा देख लो बहुत तरीका है। ये गलत बात है भाई, लोग इस पानी में इतना पवित्र मानने के घर लेके जाओ और ये इसमें कढ़ाई धोन लग रहा। रात ना बिल्कुल खाली थी घाट, कुछ कौन था और मतलब कुछ परसेंट लोग थे, मतलब 5% है। ये देख लो इतनी भीड़ हो गई है, 5% भी कौन थे, माम थे कुछ और थे 4-5 लोग। हाँ ये देख लो पूरी भीड़ पड़ा था, देखो और 50 मीटर पर 2 बंदे मिले थे। हाँ और ये देख लो इतनी भीड़ हो गई पूरा, और वो बीच में कौन मना रखे, गंगा मना रखे वो बीच में। ये तो हमने वाइड एंगल करके दिखा दिया, वो देखो वहाँ बैठे हमारे महादेव। हाँ हाँ महादेव तो कमर कर रहे इस साइड, पीठ मोड़े खड़े है महादेव तो। यो घंटा घंटाघर दयोरा का घंटाघर है जो रात ना दिखाई दे रहा था, अब देख लो। सामने किसे के नजारे आ रहे हैं कमेंट करके बता दे रही हो। घास है ये, घास ये घास है, पानी में है, पानी में उगने वाला घास है ये। ले भाई ये सब भैया अपने चूड़ियां ले रहे हैं। तो भाई अपना हरिद्वार का ब्लॉग तो इस एड तक था। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल पर नए हो तो चैनल कर लियो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।